हाय एवरीवन, वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक छोला भटूरा की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि एकदम आसान तरीके से बनाने वाली हूं। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने कुकर ले लिया है, और कुकर में मैं लाल वाले जो आलू होते हैं ना, जो ये झारखंड की लोकल आलू है, तो मैंने लाल वाले आलू को धो के ले लिया है। और साथ में ये मैंने रात में काबुली चना फूलने के लिए दिया था। तो छोले भटूरे बेसिकली वाइट वाले चने से बनती है, तो मैं वाइट वाले चने ली हूँ। तो ये मेरे 250 ग्राम के आसपास थी, लगभग 300 ग्राम के आसपास मैंने वाइट वाले चने ले लिए, जिसको रात भर मैंने फूलने के लिए दिया था। और अभी इसको मैंने कुकर में डाल दिया है, और साथ में इसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल दी है, और साथ में थोड़ी सी मैंने दालचीनी डाल दी है। और दालचीनी डालने के बाद मैं इसमें एक चम्मच के करीब मैंने इसमें नमक डाल दिया है, और नमक डालने के बाद मैंने इसमें एकदम 1/4 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें डाला है बेकिंग सोडा। तो आपकी इच्छा हो तो डालिएगा, ऐसे सोडा डालने से चने अच्छे से पक जाते हैं, मतलब चने की जो मैं क्या बोलूँ छिलका जो होती है ना, वो बहुत मुलायम हो जाती है। तो अभी इसमें मैंने ऐड किया है एक कटिंग की हुई टमाटर, एक प्याज, 3 हरी वाली इलायची, और साथ में एक तेज़पत्ता। और इसमें मैंने 1 लीटर के करीब मैंने इसमें पानी डाल दिया, और अभी इसको गैस में चढ़ाते और इसको लगभग चार सीटी में इसको मैं पकाने वाली हूँ, क्योंकि मैंने इसमें आलू ऐड किया है। तो मैं जो छोला भटूरा आज बनाने वाली हूँ, एकदम अलग तरीके का बनाने वाली हूँ। ऐसे छोले हमेशा बनते हैं तो वो वाइट वाले चने के बनते हैं, लेकिन मैंने इसमें आलू ऐड किए। तो आप इस तरीक़े से एक बार छोले भटूरे बना, मतलब छोले बना के खाइएगा, बहुत ही टेस्टी लगेगा और बहुत ही ईजी और आसान तरीका है। ऐसे आपने चाय पत्ती वाले, मतलब चाय वाले छोले भटूरे और एक सारा सामान डाल के भी मैंने छोले सैर किए थे, तो आप मेरे पिछले वाले वीडियो में भी देख सकते हैं। तो अभी मैं भटूरे का आटा लगा रही हूँ। तो आटा में मैंने इसमें बड़े वाले 2 कप लिए थे, मैंने आटा लिए, तो मैंने हाफ़ वाले कप से मैंने 4 कप लिए, तो ये बड़े वाले कप से मेरे 2 कप आटा हो गए, मतलब मैदा हो गया। और इसमें छोटे वाले कप से, यानी आधा कप वाले से ही मैंने 2 बार मैंने इसमें सूजी ले लिया है। तो लगभग 1 कप के करीब मैंने इसमें सूजी ले ली है, तो मैं मोटी वाली सूजी ली हूँ। और इसमें मैंने पहले ही नमक ऐड कर दिया था, और नमक डालने के बाद मैं इसमें 1 चम्मच के करीब मैंने इसमें बेकिंग पाउडर डाल दिया है, और साथ में मैंने इसमें 1.5 कप के करीब खट्टी वाली दही डाली है। तो खट्टी वाली दही से ना भटूरे बहुत अच्छे बनते हैं, इसके जाले जो होते हैं ना, भटूरे के जाले जो बहुत अच्छे से बनते हैं, इसलिए बेसिकली कोशिश कीजिएगा कि खट्टी वाली दही हो तो बहुत अच्छे। ऐसे बाज़ार में भी मिलते हैं, तो मैंने बाज़ार वाले ही इस्तेमाल किए, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा खट्टी वाले ही इस्तेमाल किए हैं। तो अभी इसको अच्छे से गूंदना है, और मैं इसमें अच्छे से इसको मैंने आटा को रेडी कर लिया है, और इसमें मैंने ऑयल लगा दिया। लगभग मैंने इसमें बड़े वाले चम्मच से 2 चम्मच के करीब मैंने ऑयल ले लिया था, और ऑयल को अच्छे से आटे में गूंदने के बाद इसको मैं रेस्ट करने के लिए दे रही हूँ, क्योंकि मैंने मोटी वाली सूजी ली है, तो मोटी वाली सूजी को रेस्ट करने के लिए, मतलब फूलने के लिए टाइम चाहिए होगा, इसलिए मैंने आटा सान के रेडी कर लिया। और अब चलते हैं छोले बनाने के लिए। तो छोले बनाने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 4 प्याज। तो मैंने 4 प्याज लिया है, और चारों को चॉप कर लिया है, और साथ में मैंने इसमें ले रही हूँ यहाँ पे टमाटर। तो टमाटर को मैं नॉर्मली चॉप कर रही हूँ, आपको जितना, मतलब जिस हिसाब से छोटा बड़ा जितना चॉप करना चाहते हो उस हिसाब से चॉप कीजिएगा। तो मैं नॉर्मल चॉपिंग कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ 2 टमाटर लिए हैं, तो इसमें मैं मतलब 1 और आधा टमाटर यूज करूँगी, मैं ज़्यादा टमाटर यूज नहीं करूँगी। और अभी मैंने थोड़ी सी धनिया पत्ता ले ली है, तो धनिया पत्ता को भी अभी जल्दी से चॉपिंग कर लेते हैं। और मैं जो छोले भटूरे बनाने वाली हूँ, इतनी आसान तरीक़े से बनाने वाली हूँ, जिसको कि आप भी बनाइएगा ना, तो बहुत मतलब इजी तरीक़े से बनाने वाली, बहुत आसान तरीक़े से। तो अभी ऑयल अच्छे से गर्म हो गई, तो इसमें मैंने डाल दिया तेज़पत्ता, दालचीनी, बड़ी वाली इलायची और छोटी इलायची, और साथ में इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ी सी हींग। और हींग डालने के बाद इसमें मैंने ऐड कर दिया है प्याज। तो अभी प्याज को अच्छे से, मतलब हल्का सा पकाना है, ज़्यादा पकाना नहीं है, हल्का सा। जब मेरी प्याज अभी पक गई है, तो इसमें मैंने 1 चम्मच के करीब मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है,
और मैं इसमें घिस के अदरक लहसुन का इस्तेमाल करना चाहती थी, लेकिन घिसा हुआ मतलब अदरक लहसुन घर में नहीं था, इसलिए मैंने पेस्ट इस्तेमाल कर लिया है। और जब अदरक लहसुन अच्छे से पक जाए, जब अदरक लहसुन का कच्चापन हट जाए तब इसमें मैंने ऐड किया है टमाटर, और साथ में इसमें एक टेबल स्पून के करीब मैंने नमक डाल दिया है। और अब टमाटरों को अच्छे से पकाना है, तो अभी मेरी टमाटर अच्छे से पक गई है और मैंने कैंडल लाइट डिनर बना रही हूँ। तो कैंडल लाइट डिनर में मैंने यहाँ पर 3 टेबलस्पून के करीब मैंने धनिया पाउडर डाल दिया, 1 चम्मच के करीब मैंने इसमें जीरा पाउडर, थोड़ी सी गोलकी पाउडर, 1 चम्मच के करीब मैंने रेड चिली पाउडर डाली है, साथ में छोले मसाले और थोड़ी सी मैंने इसमें 1/2 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाल दिया है। और मसालों को अब अच्छे से पकाना है, मतलब मसाले को इतना अच्छे से भूनना है जैसे कि मसालों का स्वाद अभी ही आप लोगों को पता चल जाएगा। जब मसाले अच्छे से भुन जाती है ना, तो इसमें छोले में जो इसका टेस्ट आता है ना, वो बहुत ही अच्छी आती है। तो अभी मैंने 1/2 कप के करीब मैंने इसमें 1/3 कप के करीब मैंने यहाँ पे दही ले लिया है। तो मैं इसमें मैंने फ्लेम को लो कर लिया है, और जब भी दही का इस्तेमाल कीजिएगा ना, तो हमेशा या तो फ्लेम को ऑफ़ कर लीजिएगा या तो फिर लो कर लीजिएगा, एकदम लो। तो मैंने अभी फ्लेम को लो कर लिया है और दही को अब अच्छे से पका रही हूँ। तो कम से कम 5 मिनट तक दही को अच्छे से पकाना है, जिससे कि दही में जो खट्टापन होता है ना, तो मैंने यहाँ खट्टी वाली दही ले ली है। तो खट्टी वाली दही से ना छोले और भी अच्छे लगते हैं, तो एक बार ऐसे ही खट्टी वाली दही डाल के इस्तेमाल कीजिएगा, बहुत अच्छी लगेगी। छोले का टेस्ट बहुत, मसाले का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और अभी इसमें मैंने कसूरी मेथी थोड़ी सी डाल दी है, और अभी इसको अच्छे से चलाना है। तो अभी मैं इसको अच्छे से चलाते जा रही हूँ, और अभी मेरी मसाले मतलब लगभग अच्छे से पक चुकी है। तो मैं इसको ढक के अब 5 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देती हूँ, मतलब 5 मिनट नहीं बोल सकती मैं, जब तक आलू और ये छोले को साइड में छीलूँगी, जब तक तब तक मैंने इसको लो फ्लेम पे मसाले को पकने के लिए छोड़ दिया है। तो इधर मैं अभी मेरी आलू और काबुली चना अच्छे से पक गई थी, तो इसको मैंने साइड कर लिया है, और अभी एक एक करके आलू को छील लेते हैं, क्योंकि मैं आलू इसमें आलू भी ऐड करनी वाली। और एक बार आलू ऐड करके देखिएगा, मतलब जो छोले का जो बेस होता है ना, मतलब छोले की जो ग्रेवी होती है ना, इतनी अच्छी बनेगी कहने का नहीं। तो मैंने अभी सभी आलू को अच्छे से छील लिया है, और मेरी मसाले अच्छे तरीके से पक चुके हैं, और मसालों से बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी है। इसका टेस्ट अभी ही पता चल रहा है मसालों का, जब मसाले अच्छे से पक जाते हैं ना, तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा मतलब महकने लगता है। तो अभी मैं हल्के हाथों से सारे आलू को क्रश करके डालूंगी, मतलब मैश कर दूंगी सारे आलू को, और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मसाले में आलू को ऐड कर रही हूँ। तो मैं आप यहाँ चाहें तो आलू मतलब कम कर सकते हैं, मैंने यहाँ अपनी फैमिली को देखते हुए मैंने यहाँ पे बनाया है। तो आप चाहें तो 2 आलू ही लीजिएगा, ज़्यादा नहीं लीजिएगा, उससे भी ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी, छोले की जो ग्रेवी है ना बहुत अच्छी बनेगी। तो अभी मैंने आलू को हल्के से मिला लिया, ज़्यादा मैंने मिक्स नहीं किया है, और अभी इसमें मैंने काबुली चना डाल दिया और इसको अब हल्के से मैं मतलब मिला रही हूँ, ज़्यादा नहीं मिला रही हूँ, और इसको मैं अब थोड़ी सी पानी डाल के पकाऊंगी। तो मैंने अच्छे से पहले इसको काबुली चना को मिला लिया है, और इसको इसमें मैं 1 गिलास के करीब मैं पानी ऐड करूंगी। तो अभी पानी ऐड कर देते हैं इसमें। तो अभी मैंने पानी तो ऐड कर दिया था, लेकिन मैंने बाद में जब वीडियो चेक किया तो मेरा वीडियो शूट ही नहीं हुआ, इस वजह से। तो मैंने छोले में पानी ऐड कर दिया है और इसको पकने के लिए छोड़ दिया है, और अभी चलते हैं भटूरा को रेडी करते हैं। तो मैंने लोई बना ली है, भटूरा की लोई बना ली है, और मैंने भटूरा के लिए ऑयल ना पहले ही गरम कर लिया था, अच्छे से हॉट ऑयल गरम कर लिया था, एकदम धुआं निकलते टाइम तक गरम करके रेडी रखा था। और मैंने इसमें ना थोड़ी से कम ही ऑयल का इस्तेमाल किया है, क्योंकि मैं ज़्यादा एक एक करके भटूरा में बेलूँगी, और हॉट ऑयल से ना ऑयल जल्दी ही मतलब धुएँ मुड़ जाती है, इसलिए मैं थोड़े ही ऑयल का इस्तेमाल करके भटूरा बेल रही हूँ। तो भटूरा आप जिस भी शेप में बेलना चाहते हैं, जनरली भटूरा का कोई शेप नहीं होता, या तो लंबा हम दिल्ली वाले टाइप में अगर आप भटूरा बेलना चाहते हो तो थोड़ी लंबा शेप में होती है, तो मैं लंबी वाली नहीं बना रही हूँ, मैं गोल वाले भटूरे बना रही हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरी भटूरे एकदम गोल गोल एकदम फूली फूली बन रही है। तो
तो मैं भटूरा जनरली जिस हिसाब से मैं बेल लूँ, भटूरा का कोई सेप नहीं बनता है, तो मैं अभी आपको एक और भटूरा बेल के दिखा रही हूँ। क्योंकि भटूरा बेलने के लिए ना आपको चकला या तो साइड बाय साइड करके बेलना पड़ेगा, या जो बेलन होती है ना उसको आपको हल्के इधर उधर करके भटूरा बेलना पड़ेगा। क्योंकि जो मैदा होती है ना वो सेप अपना खोती रहती है, आप एक बार बेलोगे तो थोड़ी से मतलब बेलन जो है दूसरे साइड बेलोगे तो ऑलरेडी वो सिकुड़ के वापस अपने शेप में आ जाती है, छोटी हो जाती है। तो मैं जितना लंबा जितना गोल बेल सकती हूँ उतना गोल बेल रही हूँ, और जितना बड़ी हो सके उतना बड़ी बेल रही हूँ। तो मैंने अभी भटूरा रेडी कर लिया है, तो अब चलते हैं, थोड़ी सी छोंक लगाते हैं छोले में। तो आप लोगों ने छोंक वाली छोले, मैंने यहाँ डब्बू में ऑयल ले लिया है और ऑयल में थोड़ी सी जीरा डाल दिया और साथ में रेड चिल्ली पाउडर डाल दिया। और अगर आपके पास अदरक हो तो आप कटी हुई अदरक का इस्तेमाल कीजिएगा, कटी हुई अदरक को भी डालिएगा, जिससे कि छोले में इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो मेरे पास नहीं थी इस वजह से मैंने ऐड नहीं किया, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि मैं गैस के सारा कुछ इस्तेमाल करना चाहती थी, लेकिन मेरे पास नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल किया है। और छौंक लगाने के टाइम पर यहाँ पर आप अदरक भी डाल सकते हैं, तो अदरक डालने से इसका टेस्ट और भी बहुत अच्छा आ जाएगा। और इसके ऊपर थोड़ी सी आप चाहें तो धनिया पत्ता भी डाल सकते हैं, तो मैंने धनिया पत्ता पहले ही ऐड किया था इसलिए मैंने बाद में ऊपर से ऐड नहीं किया है। तो मेरी छोला रेडी है और मैंने यहाँ पे साइड में तैयार कर लिया है थोड़ी सी सलाद। तो सलाद में बेसिकली मैंने यहाँ पर डाला है ओनियन, थोड़ी सी रेड चिल्ली पाउडर, साथ में नमक, काला वाला नमक डाला है, और साथ में चाट मसाला डाल दिया है। और ये रही मेरी छोला, और ये रही मेरी सैलेट जो कि मैंने ओनियन से रेडी की है, और ये रही मेरी फूली फूली भटूरा जो कि बहुत ही यम्मी लग रही है। और ये आज का मेरा कैंडल लाइट डिनर है, तो आज बरसात हो रही है घर के साइड, तो इस वजह से छोला भटूरा रात के टाइम पर खाने के लिए बहुत ही परफेक्ट डिनर हो गया। तो आप लोग को मैं दिखा दे रही हूँ कि भटूरा कितनी अच्छी है, एकदम अच्छी जालीदार रेसेदार बनी है। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से जाली जाली बनी हुई है। तो मैं सेकेंड वाले भटूरे भी आप लोगों को दिखा दे रही हूँ कितनी अच्छी से बनी है, और एकदम इतना मुलायम है ना कि मैं क्या बताऊँ, बहुत ही अच्छी लगेगी। और एक बार इस तरीके से आप लोग भी देख सकते हैं रेसा कितनी अच्छी से आई है। तो आप लोग भी एक बार ट्राई कीजिएगा इस तरीके की छोला भटूरा, छोंक वाली छोला भटूरा बना के ट्राई कीजिएगा, खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। और हाँ, एक बार जब आप लोग ट्राई कीजिएगा तो मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मेरी छोला भटूरा की रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को छोला भटूरा कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।